आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हकाई सेट टॉप बॉक्स के ग्राहकों के लिए जो भी डीडी फ्लिश को देखने के लिए या फिर सी बैंड के बैंड सेट को चलाने के लिए हकाई सेट टॉप बॉक्स का उपयोग करते हैं उनके लिए इस वीडियो को तैयार किया गया है कि आखिर इस सेट टॉप बॉक्स के अंदर आप किस तरह से किसी भी चैनल को डिलीट कर सकते हो या उसे एडिट कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका होता है किसी भी चैनल को डिलीट करना या एडिट करना। इसके लिए स्पेसिफिक जो है हमें कीज भी दिए गए हैं, हमें उसमें बताया भी गया है बकायदा। लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको कंफ्यूजन हो जाती है या फिर उन्हें बॉक्स को ऑपरेट करना अच्छे से नहीं आता, तो उनके लिए खासकर हमने इस वीडियो को तैयार किया है ताकि उनको एक डेमो मिल जाए कि वो भी अपने जो है बॉक्स में इसी तरीके को अपनाएंगे तो किसी भी चैनल को इजीली डिलीट कर पाएंगे और चैनल को मूव भी या फिर कह लीजिए तो उसको एडिट भी कर पाएंगे। बाकी अगर कोई भी डीडी फ्लिश का सेट टॉप बॉक्स खरीदना चाहता है हमारी ओर से तो आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। इवन आपको ये सेट टॉप बॉक्स चाहिए तो ये भी मिलेगा, आपको एंटिक्स का चाहिए वो भी मिलेगा और आपको डीलोस का बॉक्स भी मिल जाएगा। फुल एचडी बॉक्स है, उसमें आपको यूट्यूब भी चलाने का मौका मिलता है, आपके पास वाईफाई डोंगल है। फुल एचडी बॉक्स के साथ आपको एमपीजी 4 के चैनल्स भी मिलेंगे, एमपीजी 2 के भी मिलेंगे, डीडी फ्लिश के तमाम चैनल जितने भी हैं वो सभी मिलेंगे, सी बैंड के यू बैंड के तमाम चैनल्स भी उसमें आप चला सकते हो अगर कोई फ्री टू चैनल उपलब्ध है तो बहुत ही बढ़िया बॉक्स आपको मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको मैं सभी के लिंक दे दूंगा, वहां पर जाइए आप उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो विद इन 7 डेज में। जी हाँ बिल्कुल, 7 दिनों के भीतर ही वो बॉक्स आपके घर में पहुंचा दिया जाएगा और उसके बाद जो है उसमें आप कूपन कोड अप्लाई करके यानी कि हमारी वेबसाइट पर जब भी आप इस बॉक्स को ऑर्डर करते हैं किसी भी बॉक्स को ऑर्डर करते हैं तो हमारा कूपन कोड जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपके 100 रुपये और भी ऑफ हो जाएंगे और फ्री शिपिंग हमारी ओर से आपको मिली रही है एज ए गिफ्ट। तो कितना बढ़िया आपको यहाँ पर लाभ मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, जल्दी कीजिए ऑर्डर प्लेस कीजिए। तो सीधा आपको मैं लेकर आ चुका हूँ अपने टीवी स्क्रीन की ओर और हम जानेंगे कि हकाई सेट टॉप बॉक्स के अंदर किस तरह से किसी भी चैनल को एडिट कर सकते हो या फिर उस चैनल को डिलीट कर सकते हो। कोई मुश्किल काम नहीं होता, इसमें आपको स्पेसिफिक जो है कीज दिए गए हैं, रंगीन कलर्स आपको कलर ऑप्शंस दिखाई देंगे अपने रिमोट में और उसी का उपयोग करके हम जो है किसी भी चैनल को डिलीट या एडिट या मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब करना क्या होगा, रिमोट से आपको मेन्यू बटन प्रेस करना है और मेन्यू बटन प्रेस करते संग ही आपके सामने कुछ इसी प्रकार का यूजर इंटरफेस आ जाएगा जिसके अंदर आपको दिखाई देगा टीवी चैनल लिस्ट का ऑप्शन और इसके अंदर आपको रिमोट से एंटर बटन प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे बीच सारी की सारी चैनल लिस्ट आ गई है जिन चैनल्स को हमने अपने बॉक्स में सेव किया हुआ है। अब ऊपर आप देख सकते हो कलर ऑप्शंस आ रहे हैं, FAV, लॉक, स्किप, मूव और एडिट, और वो कलर ऑप्शंस में आ रहे हैं। और आप ध्यान से देखेंगे तो सेम इसी तरीके के जो ऑप्शंस है वो हमारे रिमोट में भी दिए हुए हैं, यानी कि अगर आप लॉक देख रहे हैं तो लॉक रेड कलर में है और हमारे रिमोट में भी रेड कलर का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको DEL यानी कि डिलीट का ऑप्शन तो दिखाई दे नहीं दे रहा, तो आप सोच रहे हो कि हम किसी चैनल को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो वो करें कैसे। तो किसी स्पेसिफिक चैनल को डिलीट करने के लिए आपको करना क्या होगा, एडिट बटन पे जाना होगा और एडिट बटन पे आने के लिए आपको रिमोट से ब्लू बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करना है। जैसे उसे हमने प्रेस किया देख सकते हो यहाँ पर हमें 3 और ऑप्शंस अनेबल हो गए, सॉर्ट, एडिट और डिलीट, यानी DEL यानी कि वो डिलीट हो गया। तो यहाँ पर अगर किसी चैनल को सॉर्ट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, किसी चैनल को एडिट करना चाहते हो तो एडिट करने के लिए रिमोट से आपको ग्रीन बटन उस चैनल पर प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद उस चैनल पर आपको क्लिक करना है, रिमोट से एंटर बटन प्रेस करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि उस चैनल का जो नाम है वो भी हम बदल सकते हैं। और कीबोर्ड पे आने के लिए आपको रिमोट से ओके बटन पे प्रेस करना है और आपका कीबोर्ड भी आ जाएगा और उस चैनल का कोई भी नाम दे सकते हो अपनी मर्जी से। अगर उसको आप कैप्स लॉक में देना चाहते हो तो रिमोट से रेड बटन प्रेस कर सकते हो, डिलीट करना चाहते हो तो सिंपली ग्रीन बटन प्रेस कर सकते हो, कन्फर्म करना चाहते हो तो येलो बटन करके आप कन्फर्म पे भी क्लिक करके जो भी अपने नाम डाला है चेंज किया है वो सेव हो जाएगा। और कैंसिल करना चाहते हो, वापस आना चाहते हो तो रिमोट से ब्लू बटन प्रेस करो, वहां बाहर आ जाएंगे। अब हमने इस चैनल को डिलीट करना हो तो डिलीट करने के लिए हमें करना क्या होगा, DEL के लिए हमें रिमोट से ब्लू बटन प्रेस करना है। जैसे हम ब्लू बटन प्रेस करेंगे आप देख सकते हो कि हमारा जो है वो हाईलाइट हो गया और यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ गए कि डिलीट पेज बाय सैटेलाइट, डिलीट पेज बाय TP और डिलीट पेज बाय 1x1, यानी कि आप किसी स्पेसिफिक चैनल को डिलीट करना चाहते हो या टीपी के जरिए पूरे चैनल को रिमूव करना चाहते हो या फिर किसी आप सैटेलाइट के अकॉर्डिंगली डिलीट करना चाहते हो तो दोस्तों 1x1 पर क्लिक करेंगे तो वो चैनल जो है आप देख सकते हो उसका क्रॉस बना आ गया, यानी कि जो चैनल है वो हमारे डिलीट होने के लिए तैयार है। अब हम करेंगे क्या, रिमोट से एग्जिट बटन प्रेस करेंगे, एग्जिट बटन प्रेस करके एक बार फिर से आप करेंगे तो आप देख सकते हो पूछ रहा है कि क्या वाकई में इसे डिलीट करना चाहते हैं, आर यू श्योर, तो जी हाँ हम क्या करेंगे रिमोट से ओके पर यस पर प्रेस करेंगे और वो चैनल हमारा डिलीट हो गया। तो कितना आसान तरीका है चैनल दोस्तों डिलीट करने का और ये चैनल आपका सफलतापूर्वक आपके सेट टॉप बॉक्स से बाहर हो गया है। तो कुछ इसी प्रकार से जो है अपने सेट टॉप बॉक्स में किसी भी चैनल को डिलीट या एडिट या उसको मूव कर सकते हैं।